वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के संबंध में लेटेस्ट अपडेट की। तो दोस्तों एलटी ग्रेड की नई भर्ती में अभी समय लगेगा, क्योंकि जो समकक्ष अर्हता वाला मामला है ये क्लियर नहीं हुआ है। समय जरूर लग रहा है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि समकक्ष अर्हता का मामला काफ़ी लंबा चला, अभी भी सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। कुछ विषयों में अभी भी समकक्षता का विवाद है और इसको लेकर शासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक कमेटी भी इस संबंध में बनाई गई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं मिली है। खुद यूपीपीएससी के अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है समकक्ष अर्हता की, और जब तक समकक्ष अर्हता क्लियर नहीं होगा विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं निकालेगा। कुल लगभग 7,000 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को मिला है एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता मिलाकर। हालांकि पद 12,000 से ज़्यादा खाली हैं, जिसकी सूचना अभी कुछ दिन पहले ही मिली थी। तो यदि और भी अधियाचन आ जाते हैं तो उन पदों को जोड़ दिया जाएगा विज्ञापन में, लेकिन फिलहाल काफ़ी कम पद हैं एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कुछ खबरें निकल कर आ रही थी कि अक्टूबर महीने में ही विज्ञापन एलटी ग्रेड का निकल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना इस महीने और ना ही अगले महीने एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ रहा है। विज्ञापन आने की जो संभावना है वो दिसंबर तक है या फिर इसके बाद ही है, क्योंकि अभी तक समकक्षता क्लियर नहीं है। कुछ विषयों में अर्हता का भी विवाद है और एलटी और टीजीटी के योग्यताओं को भी समान किया जाएगा, ताकि आगे से कोई विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना जाएं। जैसे कि हिंदी की योग्यता में एलटी हिंदी में, इंटर में संस्कृत अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, जबकि टीजीटी हिंदी में ऐसी बाध्यता नहीं है। इसी तरह से कला में है बीएड होगा कि नहीं होगा, फिर अंग्रेजी के समकक्षता में विवाद है। तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, और इसी वजह से समय लगेगा, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। तो जिन छात्रों का टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो अपनी तैयारी करते रहें, और एलटी ग्रेड के बारे में आगे और कोई जानकारी और अपडेट मिलेगी तो आपको मैं जरूर सूचना दूंगा। फिलहाल अक्टूबर या नवंबर में विज्ञापन नहीं आ रहा है, दिसंबर या फिर ये अगले साल ही देखने को मिलेगा। एलटी ग्रेड की योग्यता कुछ छात्र पूछ रहे थे, तो ग्रेजुएशन संबंधित विषय में और बीएड आपका होना चाहिए। डीएलएड यहाँ पर नहीं चलता है, ये बिल्कुल क्लियर है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है, तो एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन जेएससी प्रवक्ता में इंटरव्यू होता है। एलटी ग्रेड यानी वो शिक्षक जो राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा 9 और 10 में पढ़ाते हैं, और जेएससी प्रवक्ता यानी 11 और 12 में पढ़ाते हैं। तो जेएससी प्रवक्ता में पीजी मांगता है, एलटी ग्रेड में ग्रेजुएशन सिंबल मांगा जाता है। एलटी ग्रेड में पहले सिर्फ और सिर्फ एक लिखित एग्जाम होता था और इंटरव्यू नहीं था। फिलहाल इंटरव्यू तो अभी भी नहीं है, लेकिन अब प्री और मेंस का प्रावधान हो गया है, तो अगली एलटी ग्रेड में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, और यहाँ पर प्री और मेंस होने वाला है। आयु सीमा 21 से लेकर 40 साल होती है। बाकी आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा कॉमेंट सेक्शन में, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।